अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। पिछले 20 दिन में समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार अपना टिकट बदल दिया। आज पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा, जो कि पूर्व में यहां पर मेयर रह चुकी हैं, उन्होंने पूरे दलबल के साथ नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। दो दिन पूर्व ही समाजवादी पार्टी से अतुल प्रधान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उस वक्त उनके साथ केवल उनके समर्थक ही थे, लेकिन आज जब सुनीता वर्मा चैम्बर लेकर के कलेक्ट्रेट पहुंची तो उनके साथ इंडिया गठबंधन के बाकी लोग भी मौजूद थे। उनमें जोश भरा हुआ था। अतुल प्रधान के टिकट के बाद जहां सोशल मीडिया पर एकाएक ही सन्नाटा छा गया था, वहीं आज सुबह सुनीता वर्मा के टिकट की घोषणा होने के साथ ही सोशल मीडिया पर एकाएक ही सुनीता वर्मा के पक्ष में माहौल बनता चला गया। अब यहां एक बड़ा सवाल यह हो जाता है कि आखिर अतुल प्रधान का टिकट किस वजह से कटा। अतुल ने जैसे ही उनको पता चला था कि योगेश वर्मा कंटिन्यूस इस बात के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए और वह टिकट पा रहे हैं, तो तुरंत ही उन्होंने लखनऊ के लिए दौड़ लगा दी थी। भानु प्रताप को टिकट दिए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज लखनऊ पहुंच गए थे और उन्होंने पूरी कोशिश की कि उन्हें टिकट मिल जाए और भानु प्रताप का टिकट किसी भी तरह से कट जाए। इसके पीछे तर्क यही दिया गया कि भानु प्रताप सिंह बाहरी प्रत्याशी हैं और उन्हें कोई भी चुनाव लड़ाने के पक्षधर नहीं है। यह मैसेज पार्टी नेतृत्व के सामने भी गया, जिस कारण से उन्हें टिकट बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। मेरठ के जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज लोग हैं, रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर, योगेश वर्मा और अतुल प्रधान, ये चारों ही कोशिश में लगे हुए थे कि किसी भी तरह से टिकट उनको मिल जाए और अंत में अतुल प्रधान सफल हो गए टिकट पाने के लिए। अतुल सरधना विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ नामांकन किया, लेकिन नामांकन से पूर्व ही उन्हें यह मैसेज भी दे दिया गया था कि उनका टिकट होल्ड पर चला गया है, क्योंकि पार्टी के ही तमाम लोग उनके टिकट का कंटिन्यूसली विरोध कर रहे थे। विरोध का कारण उनका व्यवहार या और कुछ रहा, जिस कारण से योगेश वर्मा भी कोशिश में लगे थे और वह अंततः सफल हो गए। अतुल प्रधान के टिकट के तुरंत बाद ही शाम को यह मैसेज हुआ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका पक्ष नहीं है, उनके समर्थक नहीं है या उस टिकट से लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो योगेश वर्मा को बीच रास्ते से ही लखनऊ बुला लिया गया था। लखनऊ में आज सुबह करीब 4 बजे योगेश वर्मा की पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद ही यह तय किया गया कि इनको चुनाव लड़ाया जाए। वहीं पर अतुल प्रधान भी पहुंच चुके थे और बंद कमरे में योगेश, अखिलेश और अतुल प्रधान के बीच में वार्ता हुई। इस दौरान ही अतुल प्रधान की यह खबर मीडिया में आ गई कि यदि उनका टिकट कटता है तो वो इस्तीफा दे देंगे। यह बात पार्टी मुख्यालय भी पहुंची और अखिलेश यादव के सामने भी कहा, तो यहां तक जा रहा है कि उसी वक्त अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो सबसे पहले आप इस्तीफा ही दे दीजिए, उसके बाद फिर वार्ता होगी। उसके 15-20 मिनट बाद ही अतुल प्रधान ने एक ट्वीट किया और जिसमें कहा कि पार्टी नेतृत्व ने, यानी कि अखिलेश यादव ने जो फैसला लिया है वह मुझे मान्य है। इस तरह से वो चुनाव मैदान से हट गए। आज नॉमिनेशन के दौरान तमाम सपा कांग्रेस के दिग्गज वहां मौजूद रहे और उन्होंने जोर तरीके से सुनीता वर्मा को नामांकन दाखिल कराया। यहाँ पर अतुल प्रधान नदारद हुए। रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश की मौजूदगी भी इस बात का एहसास करा रही थी कि कहीं ना कहीं वह सुनीता वर्मा के पक्ष में खड़े हुए हैं। सुनीता वर्मा के पक्ष में एक माहौल यह भी बनता है कि उन्हें दलितों के साथ साथ मुस्लिमों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है, जबकि अतुल के साथ गुजर बिरादरी तो थी लेकिन उनका मुस्लिमों में या बाकी दूसरे संप्रदाय में विरोध भी था, जिस कारण से उनके टिकट कटने का, और अखिलेश यादव ने भी इस बात को कहा, क्योंकि यहाँ से भी तमाम मैसेज पार्टी नेतृत्व को भेजे गए कि यह टिकट यहाँ के जो क्षेत्रीय जो समीकरण है, जाति समीकरण है, उस पर फिट नहीं बैठता है, जबकि सुनीता वर्मा इस पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है।
बहुजन समाजवादी पार्टी ने यहाँ से देवव्रत त्यागी को चुनाव मैदान में उतारा। देवव्रत त्यागी को भरोसा है कि त्यागी समाज के साथ साथ उन्हें दलितों का भी वोट मिलेगा। लेकिन अब जबकि योगेश वर्मा खुद दलित वर्ग से आते हैं और उनकी दलितों में अच्छी खासी बैठ हुई है, तो इसका भी अब असर देवव्रत त्यागी पर पड़ने जा रहा है। वहीं देवव्रत त्यागी के साथ जितने भी त्यागी समाज या बाकी लोग जुड़े हुए हैं, वह जितनी भी वोट काटते हैं उसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल को होगा, ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है। अरुण गोविल को भी यहाँ पर मेरठ में एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त थी जो टिकट चाहते थे, उन सबको दरकिनार कर अरुण गोविल, जो रामायण सीरियल में श्री राम की भूमिका अदा कर चुके हैं, उनको मैदान में उतारा है। स्थानीय स्तर पर या अंदरूनी स्तर पर अरुण गोविल का विरोध भी है, लेकिन वह एक ज्वालामुखी की तरह हो रहा है। चाहे तो वो वीआईपी कल्चर में रहे हैं जिसको मेरठवासी बहुत जल्दी से गले नहीं उतार पा रहे हैं, और यही कारण रहेगा कि उन्हें चुनाव में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि लोग अब समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता वर्मा और अरुण गोविल के बीच ही सीधी टक्कर मान रहे हैं। आज नॉमिनेशन के दौरान सुनीता वर्मा से जब मीडिया ने कुछ सवाल किए तो उन्होंने यह जवाब दिया, आप ही देखिए। विकास कार्य है जो पूरे करने हैं, जनता विकास है जो हम पहले भी करा चुके हैं, और जो कमी रह गई है वो हम पूरा कराएंगे। तो इसलिए हम जनता के बीच में जाके ही उनसे इसी मुद्दे पे वोट मांगेंगे कि हमने इतने महापौर बन के विकास कार्य कराए, बेरोजगारी को खत्म करेंगे, जो लोग बेरोजगार हैं जिनके लिए कोई साधन नहीं है, हिंदी न्यूज वाले नीचे करो, गरीब लोग हैं जिनके लिए दंगा फसाद भी होता है कि वो छोटे छोटे काम जो करते हैं गरीब लोग उनको हटा दिया जाता है, तो उनके लिए बेरोजगारी हम खत्म करेंगे। मेयर रहते हुए आपने बहुत सारे विकास कार्य यहाँ कराए हैं, उस वक्त कौन से आपके ऐसे काम रह गए थे जिन्हें आप एमपी बनकर पूरा करना चाहते हैं? बहुत सारे उनका बना रहे हैं, लिस्ट बनाएंगे। बहुत पहली बात तो काम ऐसे बचे नहीं है, लेकिन कुछ काम है जिनको हम प्रायोरिटी पे लेंगे और विकास कार्य कराएंगे। कौन से समीकरण आपके यहाँ बन रहे हैं, जिन समीकरणों को लेकर के अखिलेश जी ने आप पर विश्वास जताया है? सर, समाज हमारे साथ है, सभी पार्टी के ले जाओगे ये? आप आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, सभी गठबंधन है सबका, और सब जनता को विश्वास भी है कि एक दलित को चुनाव में टिकट मिला है और दलित को चुनाव लड़ा है। जनता भी चाहती है, मेरठ की जनता यही चाहती थी कि हम लोगों को टिकट मिले। इसी विश्वास के साथ अखिलेश यादव जी ने हमें यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, जिस पर हम खरा उतर के दिखे। मैं मेरठ से महापौर भी रह चुकी हूँ, और जैसे हमने विकास महापौर के समय और ये सड़कें पूरे बनवाई है, करा है, इसी तरह से मैं जो है सांसद बनके या एमपी बनके मैं पूरी मतलब विकास कार्य करेंगे, बेरोजगारी का जो है बेरोजगारी खत्म करेंगे और पूरा विकास कराएंगे, पूरा विकास पर ध्यान देंगे। अच्छा ये बताइए, आपका मुख्य मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हम हमारी जीत निश्चित है, सब समाज हमारे साथ। जीत आप बताइए कि जीत का आधार क्या होगा? जीत का आधार जनता हमारे साथ है, सब समाज हमारे साथ है, ये जीत का आधार है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।